केंद्रीय पदाधिकारियों की एक अहम बैठक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू की अध्यक्षता में हुई। बताते चले कि रांची के आलोक होटल स्थित सभागार में आयोजित इस अहम बैठक में संगठन विस्तार और आगे की रणनीति और कार्यक्रम तय किए गए। वहीं बैठक के मकसद की जानकारी देते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने ये बताया कि 15 फरवरी से वैश्य समाज के सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों और मंत्रियों को फिर से स्मार पत्र सौंपेंगे। 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि 27% आरक्षण के लिए जल्द ही कमेटी बना दी जाएगी। अब 2 महीना बीतने को है और बजट सत्र भी शुरू होना है, लेकिन अफसोस है कि अब तक सरकार की ओर से किसी तरह का ना कोई कमेटी बनाया गया है और ना कोई पहल किया गया है। इसीलिए झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा अब फिर से अपने समाज को जगाने, संगठित करने और सड़कों पर उतर के लड़ने का हम लोग रणनीति बनाने के लिए आज बैठे हैं। झारखंड बिहार की सीमा पर जंगली और पहाड़ी इलाकों में सक्रिय अफीम तस्करों को नेस्तना बूद कर नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। अमकुदर नरसंहार के साक्षी रहे नक्सलगढ़ माने जाने वाले गड़िया अमकुदर पथेल धवैया और बेंगो समेत जंगली इलाकों में विशेष अभियान लॉन्च किया गया। बताते चले कि जिला प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ 190 बटालियन और वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कैंप लगाए गए पोस्ट और अफीम की फसल को नष्ट किया गया। 3 दिनों के भीतर करीब 200 एकड़ में फैले अफीम की खेती को नष्ट किया गया। में बहुत उत्साह है देख के भी कि सभी पदाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। लोगों में बहुत उस चीज़ का उत्साह है। इस वजह से लोगों ने बहुत सारी समस्याएं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, इन लोगों ने बताया क्योंकि सड़क नहीं थी तो जाती हैं, तो रास्ते में बहुत सारी समस्याएं अबॉर्शन की भी देखी गई हैं, डिलीवरी के समय बड़ी समस्याएँ होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ के जो BDO CO हैं उनके द्वारा, उनके माध्यम से जितने भी पैचेज हैं जहाँ पे नदी पार करनी है, पुल पुलिया की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, वो सभी प्रपोजल्स को लेके हम लोग अगले 1 से 2 महीने में सभी प्रपोजल पास करवा के जिला से यहाँ पे जितना विकास हमारे यहाँ से संभव होगा, मदों में जितना पैसा है वो सभी हम लोग यहाँ पे इस गांव तक पहुँचाएंगे। अफीम की खेती ना होने दी जाए और जो भी लोग इस अवैध काम में संलिप्त हैं उन्हें हम लोग जो है वो जेल भेजें और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाएं। उसी के तहत ये गड़िया अमकुदर का क्षेत्र जो कि अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे CRPF और जिला पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन, हम सबों ने यहाँ पर कैंप लगाकर पिछले कई दिनों से लगातार अफीम का विनिष्टीकरण किया है और लगभग 220 से एकड़ से अधिक के क्षेत्र में यहाँ पर विनिष्टीकरण किया गया है। और मैं कह सकता हूँ कि गड़िया अमकुदर का क्षेत्र एक तरीके से आज की डेट में एक अफीम फ्री जोन है और ये अभियान जो है ये जिले के अन्य जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इस तरीके से अफीम की खेती होती है वहाँ पर चलाया जाएगा। और वही दूसरी तरफ हजारीबाग पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल हजारीबाग समाहरणालय में SP मनोज रत्न चौथे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र से मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हजारीबाग पुलिस ने चोरी के 31 मोबाइल के साथ ही 9 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ितों की शिकायत पर पेलावल पुलिस तकनीकी सहायता के आधार पर छापेमारी कर 11 युवकों को गिरफ्तार कर सकी और चोरी के 31 मोबाइलों को भी पुलिस ने बरामद किया। पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग शहर में झपट्टा मार के मोबाइल छीनने वाला कुछ घटनाएं हम लोग को देखने को मिला था। उसी के आलोक में कल शाम को हम लोगों ने संयुक्त रूप से चेकिन अभियान लगाया था। उसी अभियान के दौरान पेलावल थाना क्षेत्र में पहले 3 व्यक्तियों को संदेहास्पद मूवमेंट करते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से कुछ फोन्स बरामद हुए। जब उनको हम लोगों ने पूछताछ किया, उनका तलाशी लिया, तो पूछताछ के क्रम में उन्होंने और अपने साथियों के नाम बताए। बेसिकली ये गिरोह मोबाइल चोरी का काम करता था। हजारीबाग पुलिस के पेलावल थाना क्षेत्र में कुल अलग अलग जगह से हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है। और उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने मौके पर नवविवाहित वर वधू दोनों को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया।